कोरोना की अचानक बढ़ी रफ्तार, 24 घंटे में करीब 4000 संक्रमित, फिर से डरा रहा कोरोना वायरस, महाराष्ट्र में मास्क हुआ अनिवार्य, देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4041 मामले सामने आए हैं। ऐसे में देश में एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। दरअसल कोरोना के केस पिछले 4 दिन से हर रोज 4000 के करीब बना हुआ है। 1 जून को 3661 कोरोना संक्रमित, 2 जून को 4041 कोरोना पॉजिटिव, 3 जून को 3945 कोरोना संक्रमित, 4 जून को 4041 कोरोना पॉजिटिव। 3 महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। मार्च में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी थी। 11 मार्च को 4194 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पिछले 3 महीने में ये सबसे ज्यादा थी, लेकिन जून आते ही कोरोना ने एक बार फिर अपना पांव तेजी से पसारना शुरू कर दिया। पिछले 4 दिनों में 15000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 26 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से लोगों में एक बार फिर चिंता बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को डर सता रहा है कि कहीं ये कोरोना की चौथी लहर की आहट तो नहीं है। महाराष्ट्र में 21 मई से 3 जून तक करीब 9000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1100 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 6 जिलों में हालात धीरे धीरे बेकाबू होते दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात मुंबई उपनगर, मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़ और पालघर में हैं। महाराष्ट्र में 6 जिलों में कोरोना में तेजी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना के मामले बढ़ने पर आने वाले समय में कड़ी पाबंदियों को लगाने का संकेत भी दिया है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 8% से ज्यादा। महाराष्ट्र में पिछली लहरों में भी सबसे ज्यादा केस आए थे। इस बार भी महाराष्ट्र में बढ़ते केस ने लोगों की चिंता बढ़ाई है। इस बार वीकली पॉजिटिविटी रेट 8% से अधिक है, यानी हर 100 टेस्ट पर 8 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। राजधानी मुंबई में अप्रैल की तुलना में मई में अस्पताल में भर्ती होने की दर में 231% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।